यूँ तो ये कहानी बेहद पुरानी है, लेकिन आज भी मीडिया और इंटरनेट पर इसके चर्चे रहते हैं। जी हाँ, मदर्स डे के मौके पर हर बार इस लड़की की स्टोरी का जिक्र इंटरनेट पर ज़रूर किया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे कम उम्र की माँ थी। इस माँ का नाम लीना मदीना था। पेरू के तिकापोक में 27 सितंबर 1933 में लीना मदीना का जन्म हुआ था। जब लीना सिर्फ 5 साल की थी तो अचानक उनके पेट का आकार बढ़ने लगा था। तो पहले तो लीना के माता पिता को लगा कि उनका पेट ट्यूमर की वजह से बढ़ रहा है। इसके बाद वह डॉक्टर के पास लेकर गए। वहां जाकर डॉक्टर ने जो बताया वह सुनकर लीना के माता पिता के होश उड़ गए। कम उम्र के चलते बच्चे के जन्म के समय उनकी जान को खतरा था, इसलिए डॉक्टर्स की टीम ने लीना को तकरीबन 1 महीने तक अस्पताल में ही रखा था। आखिरकार लीना ने 14 मई 1939 को ऑपरेशन द्वारा एक बेटे को जन्म दिया। इस समय तक लीना की न्यूज़ पेरू सहित पूरी दुनिया की मीडिया में छा गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लीना को मात्र 3 साल की उम्र में ही पीरियड्स आना शुरू हो गया था। बता दें कि स्वस्थ बच्चे का जन्म सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ था, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में लीना का शरीर लेबल सहन नहीं कर सकता था। आपको यह भी बता दें कि बच्चे के जन्म के दौरान डॉक्टर गेरागो को यह मालूम चला कि 5 साल की उम्र में ही लीना के यौन अंग पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। इसके बाद भी यह सवाल उठता रहा कि लीना मदीना इतनी कम उम्र में गर्भवती कैसे हो गई। इसके जवाब में एक पारंपरिक त्योहार का जिक्र किया जाता है। बताया जाता है कि जिस गाँव में लीना रहती थी वहाँ हर साल मनाए जाने वाले इस पारंपरिक त्योहार के दौरान युवक युवतियाँ यौवन संबंध बनाते थे। इसके बाद भी यह हैरान कर देने वाली बात है कि 5 साल की उम्र में मां बनने वाली लीना के साथ किसने संबंध बनाए थे। यह कहानी आज तक रहस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।